डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हिडान रहता है वो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है और उसका जो बदन रहता है वो जला हुआ रहता है। और तभी हम देखते हैं जो आसुमा सेंसे रहते हैं उनका भी हाथ और जो मुंह रहता है वो जल चुका रहता है और यहाँ पर क्या हुआ वो नहीं मालूम। तो हम आपको बताते हैं, जब यहाँ पर जो हिडान है उसने हमला किया था आसुमा सेंसे पे और अपनी वेपन की मदद से उसने आसुमा सेंसे के मुँह पर कट लगा दिया और कट के बाद जो खून था उसने उसको चाट लिया और यहाँ पर आसुमा सेंसे ने अपनी स्मोक के बाद उसमें आग लगा दिए जिसकी वजह से हिडान अब जिंदा नहीं रहना चाहिए था। काकाजू ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है पर जो हिडान रहता है वो अब भी जिंदा रहता है और वो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है। आसुमा सेंसे का जो हाथ और मुँह रहता है वो जलना शुरू कर देता है। आसुमा सेंसे बोलता है कि जो मेरा कंधा है वो जल रहा है और वो मेरा पूरा मुँह है वो जल चुका है, ऐसे कैसे हुआ। और जो हिडान रहता है वो डायग्राम पर खड़ा रहता है और वो बोलता है कि मेरा रिचुअल पूरा हो गया, अब मैं तुम्हें श्राप दूंगा, अब तुम्हारा क्या होगा आसुमा। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो बोलता है मेरा अटैक पूरा हो चुका है, अब तुम नहीं रहोगे। और यहाँ पर इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आसुमा सेंसे के साथ हुआ क्या है, क्योंकि आसुमा सेंसे को तो उसको जला देना चाहिए था और हिडान खुद मरना चाहिए था, तो आसुमा सेंसे के ऊपर वो अटैक कैसे हुआ जबकि आसुमा सेंसे तो आँख से बाहर थे। शिकामारू को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है और यहाँ पर जो हिडान रहता है वो बोलता है मेरा रिचुअल पूरा हुआ, अब मैं तुम्हें दर्द दूंगा। और ये बोलने के बाद वो अपने पैर में अपनी जो स्टिक रहती है वो स्टिक को घुसा देता है और वो जैसे ही घुसाते हैं आसुमा सेंसे गिर जाते हैं ज़मीन पर और आसुमा सेंसे के उसी पैर से खून आ रहा होता है जिस पैर पे हिडान ने उस स्टिक को घुसाया होता है और वहाँ से खून भी आ रहा होता है। यहाँ पर शिकामारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आसुमा सेंसे के साथ क्या हुआ है, क्योंकि हिडान जो अपने साथ कर रहा है वो आसुमा सेंसे के साथ हो रहा है, वो ऐसा कैसे कर लिया और वो उसका जुत्सु ऐसे कैसे हुआ। तभी यहाँ पर जो वो रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम याद रखो जो आसुमा सेंसे है वो भी जल गए, जो उन्हें जलना नहीं चाहिए था जबकि वो आँख से बाहर थे, और वो जो हिडान है वो अभी भी सही सलामत खड़ा है और हिडान अपनी जो स्टिक है उसके साथ जो भी कर रहा है वो आसुमा सेंसे के साथ हो रहा है। और तभी हिडान बोलता है मैं तुम्हें अब मौत का मज़ा चखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पर वो अपनी जो स्टिक रहती है उसको दिल के पास घुसाने वाला रहता है। आसुमा सेंसे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि अब ये क्या होने वाला है। यहाँ पर जो गार्ड निंजा रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ करना होगा शिकामारू, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। शिकामारू अपनी शेडो पोजीशन से हिडान को पकड़ने वाला रहता है और यहाँ पर जो हिडान रहता है वो अपनी जो स्टिक रहता है उसको लेकर दिल के पास मैं अब तुम्हें मौत का मज़ा चखाऊंगा, और वो बस उसे घुसाने ही वाला रहता है। और तभी आसुमा सेंसे चौंक जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो मर चुके हैं, पर वो मरे नहीं होते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता है क्योंकि जो हमारा शिकामारू रहता है वो हिडान को अपने शेडो पोजीशन की मदद से पकड़ लेता है। हिडान ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आसुमा सेंसे बोलते हैं शिकामारू ने मेरी जान बचा दी वरना मैं मर जाता। और वो बोलते हैं कि आखिर इसने ये कैसे किया। तभी यहाँ पर जो गार्ड निंजा रहते हैं वो बोलते हैं कि आखिर हिडान ने ये कैसे किया, उसने आसुमा सेंसे को कंट्रोल करना कैसे कर दिया, वो अपने साथ जो कर रहा है वो आसुमा सेंसे के साथ ऐसे कैसे हो रहा है, और वो हम जुत्सु उसका जो जुत्सु है उसको आखिर तोड़ेंगे कैसा, और हमें ये एनालाइज करना होगा। और वो शिकामारू को बोलते हैं कि शिकामारू तुम ये ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करो कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसा। शिकामारू बोलते हैं तो ठीक है मैं इसे एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या हुआ, आसुमा सेंसे है उसके साथ ऐसे कैसे किया और जो उनकी बॉडी है वो कंट्रोल करना कैसे कर लिया। तभी यहाँ पर जो शिकामारू रहते हैं वो जो हिडान रहते हैं उसको गौर से देख रहा होता है। हिडान शिकामारू को बोलता है कि मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और तभी जो शिकामारू है वो हिडान को देख रहा होता है और हमें पास का सीन बताता है।
हमें पास का सीन बताते हैं जहाँ पर शिकामारु बैठा रहता है और वो अपनी ब्लैक बुक चेक कर रहा होता है, यानी जिसके अंदर जो अकात्सुकी है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। और वो सबकी इन्फॉर्मेशन देखकर बोलता है कि सबकी इन्फॉर्मेशन अभी बहुत लोग की कम की इन्फॉर्मेशन है, तो हम अकात्सुकी को कैसे हराए, मुझे एक ऐसा जुत्सु इन्वेंट करना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं किसी भी अकात्सुकी को हरा पाऊँ। और वो सभी अकात्सुकी को एनालाइज करने की कोशिश करता है। वो बोलते हैं कि मेरे पास अकात्सुकी के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और वो एनालाइज कर रहा होता है कि ओरोचिमारु लिव विलेज का और उसके पास स्नेक और ऐसे टाइप के अटैक्स है दाइदरा, और यहाँ पर उसके पास बॉम्ब टाइप के अटैक्स है। और वो एनालाइज कर रहा होता है, वो बोलता है कि मैं उनको बराबर से एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे एक ऐसा अटैक बनाना ही होगा जिसकी मदद से मैं सभी को हरा पाऊँ, मतलब वो सबके ऊपर काम करे। तभी वहाँ पर हमारे आसुमो सेंसेई आते हैं और वो शिकामारु को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम आज बहुत परेशान लग रहे हो। और शिकामारु आसुमो सेंसेई को सभी कुछ बताता है। आसुमो सेंसेई शिकामारु को बोलते हैं कि हे, तुम वो अटैक बनाना चाहते हो ना जिसको तुम सभी से हरा पाओ। और वो बोलते हैं कि हे, जब तुम उस अकात्सुकी से लड़ोगे और जब तुम्हारा कोई दोस्त मुसीबत में होगा तो तुम वो अटैक खुद ही बना लोगे, और तुम उसे एनालाइज करने की जो अपनी दिमाग की शक्ति है उसका इस्तेमाल करना। और यहाँ पर जो शिकामारु है अपने शोगी की गेंद की तरह यहाँ पर जो हिडान है उसको एनालाइज कर रहा होता है, और वो ये एनालाइज करता है कि जो हिडान है वो डायग्राम के अंदर खड़ा है जब से स्मोक गया है। और यहाँ पर वो ये एनालाइज करता है कि वो जो खुद के साथ कर रहा है वो उसके साथ हो रहा है, और उसने आसुमा सेंसेई का खून भी चाटा जिसके बाद से आसुमा सेंसेई के साथ ये सब हो रहा है। और वो बोलता है, मैंने ये एनालाइज कर दिया। और तभी आसुमा सेंसेई बोलते हैं, इतना जल्दी, मुझे नहीं पता था कि शिकामारु अपने अपोनेंट को इतना जल्दी एनालाइज करेगा। और वो बोलते हैं, मैंने इसको एनालाइज कर दिया और मैंने इसे समझ लिया हूँ। और शिकामारु अपनी शैडो पोजीशन की मदद से उसे कंट्रोल करके हटा रहा होता है। काकाजू ये देखकर समझ जाता है कि इसने एनालाइज कर दिया है और ये समझ गया है हिडान की असली ताकत। और यहाँ पर शिकामारु उसको डायग्राम से बाहर निकल रहा होता है। शिकामारु बोलता है कि ये डायग्राम के अंदर खड़ा है, यानी जब आसुमा सेंसेई ने अपना अटैक किया तब ये डायग्राम के अंदर ही खड़ा है, और इसका मतलब यही है कि ये जो डायग्राम है इसकी मदद से ही वो आसुमा सेंसेई को कंट्रोल कर पा रहा है। और उसने आसुमा सेंसेई का खून भी चाटा था अपने वेपन से, और अगर ये अपने वेपन से हमला इसलिए करता है क्योंकि ये अगर अपने डायग्राम से हट गया तो इसका जो अपना इसने जो जुत्सु बनाया है वो जुत्सु टूट जाएगा, तो हमें इसे सिर्फ डायग्राम से बाहर करना है। और ये बोलकर वो बाहर निकाल रहा होता है। तभी यहाँ पर जो गार्ड निंजा रहते हैं वो बोलते हैं कि इसने इतना जल्दी एनालाइज कैसे कर दिया जो एक शिनोबी के बस में है ही नहीं। और शिकामारु अपने शेडो पोजीशन से बाहर निकाल रहा होता है हिडान को डायग्राम से, और वो बोलते हैं कि बस हमें इसको किसी तरीके से डायग्राम से बाहर निकालना है। और जैसे ही हमने डायग्राम से बाहर निकाल दिया, हम ये अपने आप को जो भी करेगा वो आसुमा सेंसेई के साथ कुछ भी नहीं होगा। और तभी यहाँ पर वो जो शिकामारु रहता है वो डायग्राम से बाहर निकाल देता है, और वो बोलते हैं कि अभी, और यहाँ पर जो हिडान रहता है उसके ऊपर आसुमा सेंसेई अपनी कुनाइफ से हमला करते हैं। और वो जैसे ही आसुमा सेंसेई हिडान को अपनी कुनाइफ से हमला करते हैं तो आसुमा सेंसेई को कुछ भी नहीं होता बल्कि हिडान को ही होता है। और शिकामारु बोलते हैं, मुझे पता था इसका अटैक टूट गया। और उसके बाद शिकामारु अपनी शेडो स्ट्रिचिंग की मदद से जो हिडान है उसको रोक देते हैं, और आसुमा सेंसेई उठते हैं और वो बोलते हैं, मेरा यही मौका है। तभी यहाँ पर जो हिडान रहता है वो खड़े रहते हैं, और यहाँ पर काकाजू बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने अपोनेंट को कम मत समझो और तुमने इसे हल्के में लिया। और हिडान बोलता है, मेरी मदद करो काकाजू, मेरी मदद करो। और तभी यहाँ पर आसुमा सेंसेई हिडान की मुंडी उड़ा देते हैं।